हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस एडियोथ्रा फिटनेस। सो कैसे हो आप सब? आई होप सो सारे अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा उन फीमेल्स के लिए जो वर्कआउट करना तो चाहती हैं घर पर, जो वर्कआउट करना तो चाहती हैं पर समझ नहीं पा रही हम स्टार्ट कहाँ से करें। खुद रोज अपने आप को बहाना दे रही है, यार मुझे पता नहीं है मैं वर्कआउट करूंगा ऐसे कहाँ से स्टार्ट करूँ। ये वर्कआउट होने वाला है फैट लॉस वर्कआउट। तो आज मैं बताने वाला हूँ आप कैसे अपना वर्कआउट स्टार्ट करोगे, फर्स्ट दिन क्या करोगे। मैं इसकी फुल एक सीरीज बनाऊंगा, फर्स्ट दिन क्या करना है, सेकंड दिन क्या करना है, थर्ड दिन क्या करना है, फोर्थ दिन क्या करना है। तो इसके लिए आपको मुझे अच्छी तरह लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को। आप देखते तो पर सब्सक्राइब नहीं करते तो इससे मैं डीमोटिवेट होता हूं। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका ही फायदा है, मैं अपने लिए नहीं बना रहा है वीडियो, मैं आपके लिए ही बना रहा हूं। तो आप ही प्यार नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा, ठीक है? तो इसलिए मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। तो आओ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे पता है फर्स्ट दिन काफी मुश्किल होता है स्टार्ट करना, जब बंदा स्टार्ट करता है ना उसके लिए काफी मुश्किल होता है स्टार्ट करना, पर जब बंदा स्टार्ट कर देता है ना तो काफी ईजी हो जाता है उसके लिए नेक्स्ट स्टेप, ठीक है? तो आज हमारा फर्स्ट डे है तो मैं बताऊंगा आपको फर्स्ट डे कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज करने से पहले करेंगे स्ट्रेचिंग, देख लो क्योंकि स्ट्रेचिंग करना काफी जरूरी है। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो वर्कआउट से पहले तो आपको इंजरी हो सकती है अच्छी खासी। तो इसलिए जब भी आप वर्कआउट करना स्टार्ट करें हमेशा स्ट्रेचिंग जरूर करें। तो ठीक है, आओ स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे, ठीक है? ये आ गया फर्स्ट स्टेप, ओके, ऐसे फुल आगे और फुल लास्ट, ओके, फुल आगे फुल लास्ट, फुल आगे फुल लास्ट, फुल आगे फुल लास्ट, ओके, ओके, वन, फुल अप फुल डाउन, ओके, फुल अप फुल अप फुल डाउन, फुल अप फुल डाउन, ओके। नेक्स्ट करेंगे ये, ठीक है, थोड़े बैंड करेंगे, ठीक है, घुटने थोड़े बैंड, बैक फुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट एंड डाउन, ए बस हाफ बेंड होना है आपको, ओके, ओके। जिनको बैक पेन का इश्यू है वो ये एक्सरसाइज कर सकती है। हिप रेज, ओके, हिप रेज एक्सरसाइज का नाम है। आराम से ऊपर, फुल ऊपर एंड डाउन, स्लोली डाउन, फुल ऊपर एंड स्लोली डाउन, फुल ऊपर एंड स्लोली डाउन, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज अपनी स्किपिंग से, ओके, गुड। रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे स्किपिंग कर सकते हो, ओके, डू इट फॉर 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड आपको स्किपिंग करनी है, उसके बाद फर्स्ट डे की एक्सरसाइज है, उसके बाद जंपिंग जो है, ओके, ओके, ये भी आपको 30 सेकेंड करने है जंपिंग जो है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है स्क्वाट, ठीक है। आराम से जो आपकी शोल्डर की विड्थ है ना उसके हिसाब से आपको अपने घुटनों की चौड़ाई रखनी है, ठीक है, सेम टू सेम, आराम से आगे की तरफ बैंड करना है, ठीक है, आराम से ये ए, ठीक है, ये आराम से इस साइड से देख लो, ठीक है, बैक फुल स्ट्रेट, बैक को बैंड नहीं करना है आपको, बैक फुल स्ट्रेट, ओके, ठीक है, ओके। इसके आप 20 रैप्स कर देना, मतलब 20 टोटल कर देना, ठीक है। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पुशअप्स, देख लो बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, आराम से डाउन, ओके, डाउन एंड ऊपर, ओके, फुल डाउन जाना है, अब ठीक आगे से देख, ज्यादा चौड़े नहीं करने अपने हाथ, ठीक है, ये आराम से फुल डाउन अप, ओके, फुल डाउन अप, ओके, ये भी आपको करनी है 20, ओके, 20 करने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लेग रेज, लेग रेज, ओके, गुड, फुल स्ट्रेट बॉडी, बॉडी फुल ऊपर स्ट्रेट एंड आराम से लेग स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, जितनी स्ट्रेट हो पाए, आराम से डाउन, रेस्ट नहीं देनी है लेग्स को, एक इंच ऊपर ही रखनी है,
जमीन से। ओके ओके आराम से डाउन, ये आपको करने 20, ये भी आपको 20 करने। सो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे आप माउंटेन क्लाइंबर, ठीक है। आराम से देख लो माउंटेन क्लाइंबर करने कैसे, ऐसे रखिए हाथ अपने, ठीक है। फर्स्ट लेग इससे, सेकंड लेग इससे, ओके। फास्ट करना जितना कर पाओ, ओके। डू इट फॉर 30 सेकंड, देख लो आराम से, ठीक है। ये फर्स्ट लेग, लेफ्ट लेग लेग राइट की तरफ और राइट लेग लेफ्ट की तरफ, वन ओके। और लास्ट में आपने कर देना प्लैंक, और इसके साथ हमारा वर्कआउट हो जाएगा फिनिश, ठीक है। प्लैंक देख लो कैसे करना, आराम, हिप ज्यादा ऊपर मत रखना, इससे आपका जितना भी वेट है ना वो आपके शोल्डर पे आएगा, ना कि आपके पेट के ऊपर। तो जो आपकी हिप है इसको डाउन रखना, ये बॉडी लेवल, ठीक है। अपना फेस नेक ऊपर की तरफ, ठीक है। इससे पूरा स्ट्रेच जो भी होगा आपकी पेट की तरफ आएगा, और ये आपने 30 सेकंड, इसको 30 सेकंड तक होल्ड कर लेना, ठीक है। ना भी हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 सेकंड दो बार कर देनी है एक्सरसाइज, ठीक है। दो बार कर देना 15-20 सेकंड, जितना भी आप होल्ड कर पाओ। सो ठीक है, आज की हमारी वीडियो इतनी ही थी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है।